अच्छा पहले आप सब लोग श्रेयारेड्डी, अदिति, आदित्य गुप्ता, श्रुति, जतिन मौर, ठीक है जी। चलिए अक्षर वगैरह कनेक्ट नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स, हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक है। कंपोनेंट दोनों टाइप के पढ़ लिए थे, वेट करना एक बार। बेटा हमने पढ़ लिया था, देखना दिख रहा होगा ना आपको, देखिए हम दोनों टाइप के चीजें पढ़ ली थी, रेवेन्यू रिसिप्ट और मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट में एक तो आपने पढ़ा था, दोनों टाइप की रिसिप्ट। वेट करना एक बार, मैं इसको रिकॉर्डिंग पे बिठाता हूँ। देखो बच्चों हमने आपको जब पढ़ाया था बजट का मीनिंग पढ़ाया था, मैंने बजट के ऑब्जेक्टिव छुड़वाए थे। स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था दो टाइप की रिसिप्ट्स, बजटेड रिसिप्ट और एक बजटेड एक्सपेंडिचर पढ़ा था सबसे पहले। तो बेटा बजटेड रिसिप्ट में हमने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था, रेवेन्यू रिसिप्ट में दो टाइप की रिसिप्ट थी, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। और हमने इसे लास्ट क्लास में कैपिटल रिसिप्ट को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोस रिसिप्ट्स व्हिच ईदर इंक्रीजेस लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट। इसमें चार तरीके की एग्जांपल्स हमने देखे थे। एक तो हमने पढ़ा था इसमें ये वाली बोरिंग्स, जब कभी गवर्नमेंट को पैसों की नीड होती है तो गवर्नमेंट जो है पैसा बोरो करती है और ये इससे लायबिलिटी इंक्रीज होता है। डिसइन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट है वो अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बेच देती है, उनके शेयर्स बेच देती है, उसे हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। फिर स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे लोग अपना पोस्ट ऑफिस में सेविंग रख पाते हैं, बैंक में वगैरह में सेविंग रख पाते हैं, वो पैसा भी गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट बैंक में जो जाता है, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ लोन, जो गवर्नमेंट ने लोन दे रखे हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट को अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, वो रिकवरी जो है वो आपकी असेट को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो ये चार तरीके की हमने कैपिटल रिसिप्ट देखी थी, तरीके नहीं है, उनके एग्जांपल्स ही है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में डिस्कस किया था। टैक्स में भी दो टाइप के टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब कुल मिलाकर के हमने बजट रिसिप्ट वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, ये वाला टॉपिक। अब हम लोग बजट एक्सपेंडिचर वाले टॉपिक की तरफ चलेंगे। पूछो गुप्ता क्या डाउट है आपका? सर गलती से लग गया था। ठीक है, देखिएगा बच्चों हम लोग, मैंने आपको कहा था ये आपने डिफरेंस पढ़ लिया होगा, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, एक रेवेन्यू इसमें कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट वाला डिफरेंस, ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट वाला डिफरेंस मैंने आपको रीड करने के लिए कहा था। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना, रिपीट कर देता हूँ मैं। रेवेन्यू रिसिप्ट के मीनिंग को देखते हैं हम लोग। रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट है जो ना तो किसी तरीके की कोई लायबिलिटी क्रिएट करती है, ना ही आपकी असेट रिड्यूस करेगी, आपकी मतलब गवर्नमेंट की, ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी और ना असेट को रिड्यूस करेगी। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है बेटा? कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट है जो गवर्नमेंट की या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी या असेट को रिड्यूस करेगी। अब रेवेन्यू रिसिप्ट के नेचर की अगर मैं बात करूं, नेचर मतलब किस तरीके का रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, ये गवर्नमेंट के लिए रेगुलर नेचर का रिसिप्ट है, रेगुलर या रिकरिंग इन नेचर होता है। और कैपिटल रिसिप्ट इररेगुलर होता है, मतलब वन टाइम ही होता है, जरूरी नहीं कि बार बार ये पैसा खर्च हो या बार बार ये पैसा रिसीव हो हमको, ठीक है। ये इररेगुलर या नॉन रेगुलर नेचर का होता है। एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसिप्ट के बहुत सारे हैं, इसमें टैक्स रेवेन्यू में हमने पढ़ा था इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू में फाइन्स, फीस, पेनल्टीज, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, एस शीट, है ना, स्पेशल असेसमेंट, कई तरीके के और एग्जाम्पल्स हैं। और कैपिटल रिसिप्ट के चार एग्जाम्पल्स बोरिंग्स, डिस इन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन और स्मॉल सेविंग्स भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये हम लोगों ने टॉपिक्स बजटेड रिसिप्ट जो है वो बजट रिसिप्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं बजट एक्सपेंडिचर। बेटा बजट एक्सपेंडिचर क्या है, समझ रहा? बजट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, जो आने वाले साल में गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 1 फरवरी 2020 को गवर्नमेंट ने बजट निकाला कि आने वाला साल यानी 2021 वाला जो साल है उसमें इतना इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो वो कहलाएगा बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बजट एक्सपेंडिचर में भी दो तरीके के एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग आर ई कहेंगे, आर ई शॉर्ट में रेवेन्यू का आर, एक्सपेंडिचर का ई, आर ई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो आपकी गवर्नमेंट की असेट को बढ़ाता है और ना लाइबिलिटी को कम करता है। जब कभी हम पैसा खर्च करते हैं तो हमें कोई ना कोई असेट वगैरह मिलती है ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस डेफिनेशन को, इस मीनिंग को लिख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा ना तो किसी तरीके की गवर्नमेंट की असेट क्रिएट करता है ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस करता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिकरेंट नेचर का होता है, मतलब हर साल ये खर्चा गवर्नमेंट का होता ही है। जैसे कि गवर्नमेंट के पास काम करने वाले एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट सैलरी देती है तो सैलरीज आ गया, पेंशन देती है गवर्नमेंट, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको पेंशन देती है गवर्नमेंट की, रिटायर्ड जो एम्प्लॉइज है उनको पेंशन मिलती है, इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट ने जो पैसा उधार ले रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट जाता है, सब्सिडीज जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती है कई तरीके के फूड आइटम्स में, सिलेंडर वगैरह में, ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर्स, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना हर साल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देती है उनके मतलब स्टेट के बिल्कुल उस चीज के लिए। जैसे आप देखेंगे अभी स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है 10-10, 20-20 करोड़ रुपए मिलता है, 10-10 हजार, 20-20 हजार करोड़ रुपए का अमाउंट मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट को मेंटेन करने के लिए, जो आपका स्टेट है, जिस स्टेट के आप एमपी वगैरह है या जो भी है उनको पूरा मैनेज करने के लिए आपको गवर्नमेंट जो है वो पैसा देती है। तो ये भी रिकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ये ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ आ गया तो क्या होता है, यानी आसान भाषा में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है ना तो ये गवर्नमेंट की असेट क्रिएट करता है ना लाइबिलिटी रिड्यूस करता है। ठीक है, एग्जांपल्स आपने देख लिए, अब इसमें सिर्फ इतना सा, इसमें और कोई चीजें नहीं है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो या तो गवर्नमेंट की असेट क्रिएट करेगा या लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा। अगर आप ये दोनों मीनिंग देखेंगे ना रेवेन्यू और कैपिटल के, जस्ट अपोजिट लिखे हैं, यहाँ असेट क्रिएट करने की बात हो रही है, रेवेन्यू वाले में जब हम बात करते हैं, रेवेन्यू में जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब बात करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट की जब बात करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट में जब बात करते हैं तो वहां पे आती है इधर क्रिएट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की बात होती है। देखिए जब कभी हम पैसा खर्च करते हैं तो हमें कोई असेट मिलेगी, यानी हम असेट खरीदेंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट की या तो असेट को इम्प्रूव करेगा, असेट को इंक्रीज करेगा, या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी है जैसे बोरिंग्स वगैरह है उसको अगर रीपे करते हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। या तो असेट बढ़ेगी या लाइबिलिटी कम होगी, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, नॉन रिकरिंग मतलब बार बार होने वाले एक्सपेंडिचर नहीं है। एग्जांपल्स, लैंड खरीदना, गवर्नमेंट लैंड खरीदती है तो पैसा आपने लगाया, आपके पास एक असेट क्रिएट हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इक्विपमेंट खरीदा, कोई किसी कंपनी के शेयर खरीदो, ये सारे के सारे गवर्नमेंट की असेट क्रिएट हो रही है। लाइबिलिटीज का एग्जाम्पल, लोन का रीपेमेंट करवा दिया आपने, जो आपने लोन लिया था उसका रीपेमेंट करवा दिया, जो आपने पैसा उधार लिया ना उसको आपने रीपे कर दिया, तो इससे आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। रोड्स या फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन करवाना, ये आपकी असेट क्रिएट करता है। आई बस समझ में, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये आपका इधर वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप आराम से एक बार रीड करेंगे घर पे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन बॉक्स है बेटा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है, यानी कि हमें डेफिनेशंस कैसे याद रखनी है कि क्या फॉर्म क्या चीज होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ समझना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच नीदर मैं यहाँ पे वर्ड यूज लूंगा इंक्रीज डिक्रीज क्या लू असेट टू लाइबिलिटी टू, ये मैं आपको सिखाऊंगा। अभी देखिए मैं रेवेन्यू रिसिप्ट के आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट पैसा रिसीव करना है, तो बेटा पैसा रिसीव कब होगा, जब आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, विच नीदर क्रिएट लाइबिलिटी, नीदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर क्रिएट असेट्स नॉर रिड्यूसेस असेट, यहाँ पे असेट रिड्यूस होने की बात आएगी और लाइबिलिटी क्रिएट होने की बात आएगी। तो मैं लिख रहा हूं रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नोर रिड्यूसेस एनी असेट, ना तो लाइबिलिटी बढ़ाएगी ना असेट कम करेगी, रिसिप्ट में यही चीज आती है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेम। अब यहां पे क्या लिखूंगा मैं, देखना
यहाँ पे मैं लिखूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी असेट. यहाँ पे क्या लिखूंगा, विच नीदर क्रिएट असेट्स नोर रिड्यूसेस लाइबिलिटी. इस चीज को समझना जो मैं लिख रहा हूं. आई बात समझ में? चैट में किसी ने कुछ लिखा यार, ये तो आपने एनबीए में पढ़ाया था, पता है मेरे को. ठीक है, इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है बेटा? कैपिटल रिसिप्ट जो है वो रिसिप्ट होती है जिनसे कि या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, विच लाइबिलिटी विच इंक्रीजेस लाइबिलिटी और रिड्यूसेस असेट. देखो यहाँ पे लिखा है या तो लाइबिलिटी का बढ़ाना या असेट का कम होना, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है. और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जस्ट उल्टा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट असेट और रिड्यूसेस लाइबिलिटी. तो बेटा ये वाला जो टेबल है ना, ये टेबल आपको ये सारे कंफ्यूजन क्लियर करेगा अगर आपको ये टेबल समझ आ गई तो. समझ गए? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर होता है क्या? किसी बच्चे को यहां तक अगर डाउट हो तो पहले यहां तक पूछ लेना. फिर बेटा हम लोग चल रहे हैं अब कई तरीके के. अभी तो हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर को, हम एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि बजट एक्सपेंडिचर में दो टाइप के एक्सपेंडिचर थे, एक रेवेन्यू और कैपिटल, है ना. ये रेवेन्यू और कैपिटल वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया. अब इसके अलावा और कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स के टाइप होते हैं? एक होता है प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं बेटा? प्लान एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने प्लान किए कि मुझे ये पैसा खर्च करना है. प्लान एक्सपेंडिचर्स रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कवर्ड अंडर द करंट फाइव ईयर प्लान. जब कभी सरकार सत्ता में आती है तो आपको पता है सरकार बहुत बड़े बड़े आपको प्रोमिसेस करती है कि हमारे सत्ता में आने से हम ये करवा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, इतनी नई नौकरियां लगवा देंगे. तो जो उन्होंने फाइव ईयर्स की प्लानिंग की है ना, उस प्लानिंग में जो जो प्रोजेक्ट्स है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं उसे हम लोग कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर. उसके ऊपर जो भी पैसा खर्च होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें हमारे भारत को एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है. तो स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है ये गवर्नमेंट की प्लानिंग का हिस्सा था, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएगा कि ये प्लान एक्सपेंडिचर था. समझ रहे? ये प्लान एक्सपेंडिचर था. इट रिप्रेजेंट द करंट डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट अंडर द करंट फाइव ईयर प्लान. जो प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इस साल में जो डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट होना है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे रिप्रेजेंट करते हैं. समझ गए? ऐसे जस्ट इसका अपोजिट इसके एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं. जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया अलग अलग सेक्टर्स पे, अलग इकोनॉमिक्स के अलग अलग सेक्टर पे. जैसे एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने बता दिया कि हम 100 करोड़ रुपए पैसा खर्च करेंगे. रूरल डेवलपमेंट के लिए बता दिया हम 150 करोड़ खर्च करेंगे. इरिगेशन के लिए बता दिया 200 करोड़ खर्च करेंगे. एनर्जी, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने क्या बता दिया कि हम इतना इतना पैसा खर्च करेंगे. तो ये प्लानिंग का पार्ट हो गया ना आपकी, आपने फाइव ईयर प्लानिंग में इसको इंक्लूड किया था. तो इसके ऊपर जो भी पैसा खर्च होगा वो कहलाएगा प्लान्ड एक्सपेंडिचर. ठीक है, नॉन प्लान जस्ट अपोजिट. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि उन प्रोजेक्ट्स पे खर्च किए जाते हैं जो कि फाइव ईयर प्लान के अंदर इंक्लूड नहीं थे. मतलब गवर्नमेंट ने जो फाइव ईयर प्लान में पहले नहीं बताया, उसके बाद अगर गवर्नमेंट उस पर पैसा खर्च कर रही है तो वो नॉन प्लान होगा. जनरली इंटरेस्ट का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं पता होता ना कब पैसा उधार लेना पड़ जाएगा, तो जो भी ब्याज जा रहा है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, इसके लिए हमने पहले से प्लानिंग नहीं की. या डिफेंस सर्विस के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, जनरली डिफेंस के ऊपर अब तो गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर देती है कि हमें इतना पैसा खर्च करना है, सो पार्ट रहता है प्लान एक्सपेंडिचर का. लेकिन मान लो अचानक बीच में कभी कोई वॉर वाला प्रॉब्लम आ जाता है तो उस टाइम पे हम जो पैसा खर्च कर करके नए नए इक्विपमेंट ले रहे हैं वॉर के लिए, बेटा वो एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाएगा. जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है अपने हाउस होल्ड को, जितने भी हाउस होल्ड हम लोग हैं, हमें सिलेंडर पे सब्सिडी मिलता है और बाकी दूसरे फूड आइटम्स पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनको जो फूड वगैरह पे सब्सिडीज मिलता है, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट है. ठीक है, इसके बाद बेटा थर्ड वाला टाइप है एक्सपेंडिचर का, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. आसान भाषा में आपको समझाऊं, जो पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया है डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे उसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा. जो पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया है अपने गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं खर्च किया उसे बोल देंगे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. इतनी सी बात लिखी है यहाँ पे. तो बेटा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है ऐसी एक्टिविटीज पे विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. यानी जो जो पैसा सरकार ने खर्च किया है किसी ऐसे एक्टिविटी पे जो कि हमारी इकोनॉमी या सोशल
उसको डेवलप करेगी। सोसाइटी को डेवलप करने वाला कोई एक्टिविटी या हमारी इकोनॉमी हमारे अर्थव्यवस्था को डेवलप करने वाली कोई एक्टिविटी है अगर उस पर पैसा खर्च किया है तो वो कहलाएगा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर इंडस्ट्रीज के ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर पैसा खर्च किया तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। इससे डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर पे करोगे तो फूड आइटम्स बढ़ेंगे, फूड का सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज में करोगे तो हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर कम डिपेंड रहेंगे, समझ गए। हेल्थ के ऊपर करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी, कम बीमार पड़ेंगे। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इसी के अपोजिट में ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि एसेंशियल सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके ऊपर किया जाने वाला खर्चा है। ये डेवलपमेंट के ऊपर नहीं है, एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा देना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, सब देश को संभालना है, देश को संभालने के लिए लोग लगाने, आरएस ऑफिसर्स चाहिए अलग 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 डिस्ट्रिक्ट में, तो बेटा उनको दी जाने वाली सर्विस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। डिफेंस, डिफेंस के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है इसे डेवलपमेंट थोड़ी हो रहा है, डिफेंस तबाही होती है। जो हम लोग नए नए प्लान्स लाएंगे, चार्टर्स लाएंगे, राइफल्स लाएंगे, उनसे तो तबाही होगी, तो ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। टैक्सेस कलेक्ट करना, टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए जो पैसा खर्च किया, ओल्ड एज लोगों को पेंशन का पेमेंट करना, इंटरेस्ट देना लोन वगैरह के ऊपर, ये सारे के सारे डेवलपमेंट के लिए काम नहीं हो रहे, ये सब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। आई बस सुनो बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था जो मैंने आज कवर किया, बजट एक्सपेंडिचर। ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार मैंने क्या कंप्लीट करवाया अभी तक आपको। बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्लीट करवाया ये वाला एक छोटा सा फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बना था ना, दो टाइप की रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर वाले, ये वाला रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये तो हो गया था, ये वाला, ये बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट में रेवेन्यू और कैपिटल पड़ा, इसको मैंने लास्ट लेसन में कवर किया था, और आज हमने कवर किया बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। बस बच्चों ये खत्म हो गया हमारा आज का टॉपिक। कल हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के बजट होते हैं, ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी बच्चों आपको, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है ना वहां पे इन्हीं से रिलेटेड टर्म्स पूछी जाएगी, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है ना किसमें क्या क्या होता है, ठीक है बच्चों। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। डाउट है क्या किसी बच्चे को? क्लास खत्म करते बेटा, कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे, इवनिंग वाले टाइम पे मिलेंगे वैसे तो कल, है ना। अगर आप लोगों के टाइम हुआ आपके पास तो मैं पहले क्लास ले लूंगा, ठीक है, इको वाले बच्चों से मैं बात कर लूंगा ग्रुप में। चलिए बच्चों आज की क्लास ऑफ करते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।